हर हर महादेव। देखिए, न्याय के द्वारा कमाए गए अपने धन को कहां कहां लगाना चाहिए, शास्त्रों का निर्देश है। देखिए कि धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहा मूत्र च मोदते। धर्माय, जो भी अपने द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित धन है उसको पंचधा विभजन वित्तम, पांच जगह विभाजित करें, एक हिस्सा धर्म में लगाएं और दूसरा हिस्सा यशसे अपनी कीर्ति के लिए खर्च करें और तीसरा अर्थाय, ऐसा प्रयोग में लगाए उस धन को, उस धन से भी धन आए। कामाय, अपने उपभोग में एक हिस्सा लेना चाहिए और एक हिस्सा स्वजनाय च, अपने जो भी स्वजन है, पोष्य वर्ग है, पुत्र भ्राता माता पिता आदि भगिनी इत्यादि के कार्य में लगाए। तो इस तरीके से अपने कमाई के धन को पांच जगह जो विभक्त करते हैं वे यहां और अगले जन्म में, यहां मूत्र च मोदते, ये संसार में और मरने के बाद भी उनकी सदगति होती है। इसी बात को देखिए स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि अपने कमाई के धन को जो है दशमांश अवश्य दान करना चाहिए। न्यायो पार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। पहले तो जो भी कमाई है वो न्यायपूर्वक होना चाहिए। न्यायोपार्जित वित्तेन, न्याय के द्वारा उपार्जित वित्त से यानी धन से दशमांशेन धीमता, बुद्धिमान के द्वारा दशमांश है ना, यानी 1,10,000 रुपए कर्तव्यो विनियोग से ईश प्रीत्यर्थ हेतवे, भगवत प्रीत्यर्थ अर्थात धर्मार्थ इतने वित्त का विनियोग कर देना चाहिए, धर्म में लगा देना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। लिखा है, देखिए एक श्लोक बहुत प्रचलित है, इसके दो तरीके के अर्थ गुरुजी ने बतलाए हैं, दोनों अर्थ सुनिए कि शतम व्याय भोक्तव्यम है ना, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। तो शतम विहाय दातव्यम यानी 100 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ भी है कि शतम विहाय 100वां हिस्सा छोड़ करके और फिर दान करना चाहिए, अपने लिए जो उपभोग में लाने वाला जो संभार है उसको छोड़ के और दान करना चाहिए। शतम व्याय भोक्तव्यम यानी जो चित्राहुति देते हैं कुछ अंश को छोड़ करके ही खाना चाहिए, कोई भी अन्न है कुछ भी मिला है पूरा नहीं खा जाना चाहिए, कुछ उसमें से छोड़ना चाहिए। शतम व्याय माने जो खाद्य पदार्थ है उसका शतांश छोड़ करके ही भोजन करना चाहिए। और दूसरी बात, सहस्रम स्नान आचरेत, सहस्र 1,000 कामों को छोड़ करके ना लेना चाहिए। और इसका दूसरा है मतलब सहस्र स्नान आचरेत, ये जो सूर्य को, सहस्र किरण माने सूर्य, सूर्य को छोड़ करके पहले ही ना लेना चाहिए, अर्थात सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। सहस्र स्नान माचरे है ना, विहाय हरेक में लगेगा, सहस्रम विहाय स्नान माचरे। और दूसरा लक्षम त्यक, लक्षम विहाय दातव्यम है ना, लक्षम विहाय इसका अर्थ है लाखों कार्यों को छोड़ करके दान देना चाहिए, लाखों कार्य को छोड़ दीजिए दान दीजिए। अथवा दूसरा अर्थ इसका है लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोई लक्ष्य न रखे अर्थात बिना कामना के, बिना लक्ष्य के दान देना चाहिए, निष्काम होकर के दान करना चाहिए।
और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, इसका अर्थ है कि करोड़ों कर्मों को छोड़ करके, कामों को छोड़ करके भगवान श्री हरि का स्मरण करे। और दूसरा अर्थ इसका यह है कि कोटि कोई सीमा माप या कोई ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए अपने आप को, हम इस कोटि के भक्त हैं, हम इस कोटि के भक्त हैं, हम इसमें आ जाएंगे, अब ऐसा हो जाएगा तो हम उत्तम भक्त माने जाए, ये सब कोटि छोड़ करके कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, और फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कलयुग में तो विशेष रूप से दान की महिमा है, प्रकट चार चरण धर्म के कलमह एक प्रधान, एन केन विद दीने दान करे कल्याण, इसी कलयुग में तो विशेष रूप से दान की महिमा है, भगवान नाम और यथाशक्ति दान, ये कलयुग में कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव।